प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं टैरो कार्ड्स के द्वारा सितंबर मंथ की प्रेडिक्शंस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप एंजॉय करें, इसको अंत तक देखें, अपने मित्रों से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। हर महीने ही यूँ तो मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, एंड इस बार मैंने टैरो कार्ड की नई स्प्रेड यानी कि 6 कार्ड स्प्रेड के साथ सोचा है कि टैरो प्रेडिक्शंस करेंगे और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए, इसी की प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं एरिस वालों के साथ। एरिस वालों के लिए ये जो महीना है सितंबर का, इसमें कोई ना कोई विश फुलफिल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप काफ़ी देर से प्रेयर कर रहे थे कि आपकी प्रमोशन हो जाए, तो इस महीने में प्रमोशन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई आपकी एज का ही या आपसे कम एज का व्यक्ति आपको चैलेंज दे सकता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये यंग मैन ही होगा के बजाय कि फीमेल का ये कार्ड नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स टिपिक से मैन, आपकी एज का या आपसे कम एज का व्यक्ति, कोई कोलीग हो सकता है, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है इस पीरियड में। पेज ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं आपकी फेवर में आ सकती है, यानी कि एक यंग फीमेल जो कि आपकी कोलीग भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, एंड फीमेल्स के केस में उनकी सिस्टर या उनकी बेस्ट फ्रेंड, उनका सपोर्ट इस पीरियड में बना रहेगा। इस पीरियड में कोई ना कोई बिजनेस आइडिया भी आपके यू नो हाथ लग सकता है, और उस आइडिया को आपने लिख के रख लेना है, नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि ये आइडिया जो है आगे चल के आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। स्टार कार्ड जो फ्यूचर में आ रहा है वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, ऑस्पिशियस बिगनिंग को शो कर रहा है। कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ जरूर आएगी इस महीने में। इस महीने का अगर अंतिम फल देखें एरिस वालों के लिए, तो चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे वो लोगों की वजह से रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट लाइकली आपकी एज वाले या आपकी एज से कम, एंड मोस्ट लाइकली मेल की वजह से चैलेंजेस आएंगे, फीमेल की तरफ से चैलेंजेस आते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। स्टार कार्ड का आना ये दर्शाता है कि आगे चल के फ्यूचर ब्राइट है और आपका जो है नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। एंड कोई अगर फाइनेंशियल वरी है आपकी काफ़ी देर से चल रही, तो इस महीने में जाके वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। थैंक यू सो मच। चलिए अब शुरुआत करते हैं टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। इस महीने में सक्सेस फैक्टर्स बहुत ही हाई रहेंगे, जैसा कि एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इस महीने में। साथ साथ जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे और काफ़ी देर से ट्राई भी कर रहे थे, इस पीरियड में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। फॉरेन जाने के लिए अगेन ये पीरियड अच्छा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है फेवर में आई है, यहाँ पर इन्वर्टेड नहीं आई है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का इस तरह के प्लेस पर ये शो करता है कि आप फॉरेन जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि फॉरेन के साथ जो कार्ड मैं लिंक करके देखता हूँ उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, अलॉन्ग विद एट ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या ऑलरेडी यू नो वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है, तो उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। तो फॉरेन जाने के लिए अगेन टॉरस वालों के लिए ये बहुत ही एक बढ़िया समय है। उसके अलावा जो लोग फॉरेन नहीं भी जाना चाहते, उनके लिए भी ट्रैवल एंड टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं करियर में भी यहाँ पर ग्रोथ है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स जो है अगेन करियर का एक कार्ड है। यहाँ पर जो है आप थोड़ी बहुत चैरिटी भी करें, चैरिटी के साथ आपका भाग्य राइज होगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ फाइव ऑफ कप्स है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा अगर आपके हाथ लगी है पास्ट में, कोई ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड जो है एक रिकवरी का पीरियड साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अंतिम फल आ रहा है वो नाइन ऑफ कप्स का आ रहा है, जो लव लाइफ के लिए और फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हम ये समझ सकते हैं कि चीज़ें सुधर जाएंगी आगे चल के, और ये सारे कार्ड्स आपस में ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये महीना बहुत ही ऑस्पिशियस है टॉरस वालों के लिए। अगेन डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह की एनर्जी के साथ रन कर रहे हैं, ये तो आपके जोडिक की प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर आप खुद की एनर्जी अगर डिप्लीट करके रखते हैं, सारा दिन आप नेगेटिविटी में जीते हैं, निंदा करते हैं और दूसरों की तरफ देख देख के अगर आप अंदर से बॉयल होते हैं और एक नेगेटिव वाइब्रेशन को जनरेट करते हैं, देन आप जो है ये सारे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन इनमें से कोई एक आधा रिजल्ट आपका आएगा। अगर आप सारी चीज़ें बराबर रख रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ को एक संपूर्ण तरीके से जी रहे हैं, खुशहाल तरीके से जी रहे हैं, उस केस में जो है यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आते हैं। और दूसरों की तरफ देख के अगर आप यू नो आपको बुरा फील होता है कि इसके पास मुझसे ज़्यादा है, देन आप भूल जाएंगे आपको कभी भी कुछ मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ है, इसको जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिशन होना एक अच्छी बात है, कंपेटिटर के पास आपसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पे आप स्ट्रेटजाइज करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यू नो बस अपने दायरे में सीमित यू नो लोगों को देख देख के चलते रहते हैं, तो देन
रिजल्ट्स खराब होने की आप आशा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। यह महीना इक्विलिब्रियम का महीना है, चीज़ें बैलेंस में आएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर पास्ट में कोई गड़बड़ हुई है तो, अगर पास्ट में आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अटैच थे यानी कि आपकी मैरिज किसी गलत जगह पर हो गई थी, इस महीने में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं डिटैचमेंट हो सकती है। अगर लीगल केसेस थे तो वहाँ पे आपकी विक्ट्री हो सकती है। ऑफिस में कोई पेंडिंग इंक्वायरी थी वहाँ पे हो सकता है आपकी फेवर हो जाए। जेमिनी के लिए ओवरऑल ये पीरियड जो है जस्टिस का पीरियड है, तो हम ये सोच सकते हैं कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगी इस पीरियड में। जैसे नाइट ऑफ सोर्स मुझे दिख रहा है, तो जरूर यहाँ पे अगर हम कहें तो कॉम्पिटिशन होगा आपका, आपकी एज वालों के साथ या आपसे कम एज वालों के साथ। कोलीग्स से सावधान रहे इस पीरियड में। और मुझे इंट्यूशन ये भी साथ में है कि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पीरियड में उनका जो कॉम्पिटिटर है वो बासी बाज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान भी रहना है। तो कंपटीशन कड़ा रहेगा, ठीक है, मेहनत यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। दूसरा, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें बैलेंस में होंगी, ठीक है। अगर मान लो कोई बीमारी थी या बहुत देर से जूझ रहे थे, इस महीने में थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका असर आपको दिख सकता है। अगर ऊपर हम देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको किसी मैच्योर फीमेल की हेल्प जरूर मिलेगी। ये मैच्योर फीमेल कहीं ना कहीं आपको हेल्प देगी। जो फीमेल्स हैं उनकी अगर हम व्याख्या करें तो वो इस तरह के पोजीशन पे बैठना चाहती हैं, वो प्रॉस्पेरिटी चाहती हैं, ठीक है। और जो जो भी उनकी कामनाएं थी हो सकता है इस महीने में पूरी हो जाए, लेकिन चांसेस आर लेस, क्योंकि आगे चल के जैसे टू ऑफ सोर्स का कार्ड फ्यूचर डिपिक्ट कर रहा है। टू ऑफ सोर्स का कार्ड जब भी फ्यूचर डिपिक्ट करता है वो ये शो करता है कि आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगी और डार्कनेस भी इस कार्ड में दिख सकती है। तो दो पाथवेज होंगे आपके पास, आपने एक रास्ता सेलेक्ट करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या मुझे पॉजिटिव एंड रिजल्ट दिख रहा है इस महीने का? नॉट रियली। जेमिनी वालों के लिए थोड़ा सा ये टफ एंड ग्रे पीरियड हो सकता है साबित। और इस पीरियड में थोड़ा सा आर्गुमेंट्स, फाइट्स, ठीक है, कॉम्पिटिशन कड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है इस पीरियड में। एंड टू ऑफ सोर्ट्स का आना ऐसा है कि जॉब चेंज हो सकती है कईयों की, और कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका किसी के साथ संबंध था, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, एंड सडनली देयर इज समवन एल्स आल्सो इन द लाइफ, तब ये कार्ड नॉर्मली मैंने आता हुआ देखा है। यानी व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ को लेके, कोई महत्वपूर्ण चीज़ को लेके दो ऑप्शंस आना, तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएंगी। आपको ये गाइडेंस दी जाती है, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और टैरो रीडिंग की आप हेल्प ले लें। टिप ऑफ द मंथ ये है कि इस महीने में जो है आपने देवी माँ की उपासना जितनी करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है। कोई भी फीमेल एनर्जी की आप जब उपासना करेंगे देन यू विल गेट द सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी, विद्या के लिए माँ सरस्वती, कोई स्टूडेंट है तो उसको उनकी उपासना, श्री यंत्र स्थापित करना, ठीक है, और सरस्वती यंत्र स्थापित करना, डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है, मेडिटेशन करना उस तरह की, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब बात कर लेते हैं कैंसर वालों के लिए किस तरह का महीना रहेगा। इस महीने में कोई नई अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है। आपको ये गाइडेंस दी जाती है कि आप जो है अगर स्टक फील कर रहे हो, सफोकेटेड फील कर रहे हो, इस महीने में जो है आपको अपने आप को अनलीश करना है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, ट्रैवल करना है इस पीरियड में। पास्ट में अगर आपको धोखा मिला है बहुत सारे लोगों से, इस पीरियड में रिकवरी आपको मिल सकती है। जरूर अगर आपको कोई धोखा या किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे पास्ट में, इस महीने में आके आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। ये सब कब से ऊपर दिखाता है कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट। और स्टार कार्ड का अगर हम फ्यूचर आस्पेक्ट यहाँ पर डोनेट करें तो ये पॉजिटिव है, ये शो करता है कि नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी। जो भी बिजनेस आइडिया, बिजनेस वेंचर आप करेंगे उसमें सफलता होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। जो लोग मान लीजिए जॉब करते हैं तो उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि कोई प्रमोशन वाला अपॉर्चुनिटी, कोई नई कंपनी में जॉब मिलना, ठीक है, तो उनको जो है अपने कम्फर्ट जोन से यहाँ से बाहर आना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ये नीचे आना ये दर्शाता है कि कोई फीमेल आपको सपोर्ट करेगी, नर्चर करेगी, अपनी काइंडनेस दिखाएगी, ठीक है, उनकी काइंडनेस जो है आपके ऊपर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देगी। तो उनकी काइंडनेस के साथ, उनकी नर्चरिंग के साथ जो है आप और भी आगे मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की फीमेल अगर आपकी लाइफ में है तो आप बहुत ही लकी है। इनकेस कोई फीमेल ये सुन रही है तो ये उनकी मदर को, उनकी एल्डर सिस्टर को या उनसे बड़ी एज की कोई फीमेल को ये कार्ड डेफिनेटली दर्शाता है।
सो कोई बड़ों का स्पेशली फीमेल का आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ पे एक और हम यहाँ से ले सकते हैं गाइडेंस कि आपको देवी माँ की उपासना आपको भी करनी है, कैंसर वालों को भी, जैसे हमने जेमिनी के केस में जाना, सिमिलरली कैंसर वालों के लिए भी यहाँ पे देवी माँ की उपासना करना, ठीक है। और जिस भी एनर्जी के साथ आप जुड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर आप माँ चिंतपूर्णी जी के साथ जुड़ रहे हो, आप उनके साथ कनेक्टिविटी फील कर रहे हो, तो आप उनका ध्यान करो, उनका स्मरण करो, उनकी आरती गाओ, ठीक है। जो लोग मान लीजिए कोई और रिलीजन को बिलोंग करते हैं या बिल्कुल ही जो स्पिरिचुअल है, कई लोग हो सकता है कि यहाँ पे अथीस्ट भी हो, तो उन लोगों को ये है कि अपनी मदर की ब्लेसिंग तो आप ले सकते हो, राइट। तो मदर की आप ब्लेसिंग रिसीव करो। फ्यूचर आस्पेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, स्टार का नई अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है, एंड आपको गाइडेंस ये दी जाती है कि आप खुली आर्म्स के साथ अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ आने दें, उसको बांध के मत रखें और अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखें। फॉर एग्जांपल किसी को नई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो 10 साल से एक ही पोजीशन में काम कर रहा है, वो कहेगा यार कौन ट्रेनिंग से गुजरेगा, फिर नई जॉब पे जाके नए लोगों के बीच में बनेगी या नहीं बनेगी। वेल, अगर पे बैक जा रहा है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट। सो गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लियो वालों के लिए किस तरह का ये मंथ रहेगा। इस मंथ की शुरुआत से ही आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिल्कुल ही बिगिनिंग से ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी का आना, कोई नई प्रोजेक्ट में आप जो है हाथ डाल सकते हो और उस प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के भी चांसेस यहाँ पर पूरे रहेंगे। पॉजिटिव सक्सेस फैक्टर्स मैं इनको काउंट करूँगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को यू नो प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, नहीं तो आप जो है उसके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द इशू जो है फोर ऑफ पेंटिकल्स है, व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे कंजूस बन जाता है इस कार्ड के साथ, ठीक है। तो अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो एक बार आप सोच समझ के अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करवा के भी आप उसके लिए जा सकते हो। तो लियो वालों के लिए ओवरऑल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेहनत भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है इस पीरियड में, और जो चीज़ आप डिवेलप करोगे वो आपको आगे चल के बहुत फल देगी, ठीक है जी। तो ये आपको आगे चल के बहुत देर तक फल देगी। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे ये दर्शाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। दूसरा, किसी फीमेल की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर मान लो कोई मेल है, कोई यंग सिंगल मेल है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली गाइडेंस है कि आप चलो रिलेशनशिप करो, आप अपने हाथ में अभी नहीं रख सकते, एटलीस्ट मदर की या सिस्टर की सपोर्ट लेना वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। फीमेल की सपोर्ट आते ही आपका करियर जो है काफ़ी राइज करने लग पड़ता है, अगर सही व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। मान लो आपके नंबर्स कुछ मिसिंग है, न्यूमरोलॉजी की भी अगर हम बात करें, मान लो किसी का 5 मिसिंग हुआ और बिजनेस करना चाहता है, डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं है, बर्थ नंबर लाइफ बार में भी नहीं है, ना ही नाम का टोटल 5 होता है, उस केस में कोई ऐसी फीमेल जिसका बर्थ मान लो 1995 का हो, तो 5 वहाँ से सप्लाई हो गया, 5 तारीख का हो, मई के महीने का हो, किसी भी तरीके से 5 आना, ठीक है, या 85 का बर्थ हो तो फिर भी 5 आ जाएगा ग्रिड में, तो उसके साथ जो है वो कनेक्शन जो है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उल्टा हो, किसी का बर्थ मान लो 94 का हो, तो 4 सप्लाई हो गया, ठीक है, लड़के के पास ऑलरेडी 5 था, तो वो बंधन योग एक्टिवेट हो जाएगा उस केस में। इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी के साथ भी जोड़ के देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमारी लाइफ में एंटर कर रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा, उसके साथ क्या एसोसिएशन हमारा अच्छा रहेगा। ये बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है जी। तो हर चीज़ जो है ये एक यू नो जो भी न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, अल्टीमेटली सभी चीज़ें एक हारमोनी में चल रही है। घर का वास्तु भी है, मान लो आपका कुंडली जो है बहुत ही अच्छी है, सारे योग उसमें है, सारे प्लैनेट्स उसमें अच्छी तरह बैठे हुए हैं, मान लो कोई भी नकारात्मक प्रभाव वहाँ पर नहीं दिख रहा है, डिविजनल चार्ट्स भी ठीक है, घर का वास्तु खराब है। क्या आपको लगता है कि उसका जीवन अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुंडली का कोई भी वहाँ पे असर नहीं आएगा। तो घर में सबसे पहले अपनी साफ सफाई रखना और दूसरा वास्तु का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो घर में अपना वास्तु इम्प्रूव करके रखें, कोई भी सामान जो इधर उधर बिखरा है उसको देखें और जंग को स्पेसिफिकली घर में अवॉइड करें। बेसिक वास्तु टिप यही दी जाती है कि घर में आप जंग को अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट्स और ये सब लाइट्स का इस्तेमाल ना करते हुए आप नॉर्मल जो है व्हाइट लाइट को हर जगह लगाएं। ब्लू लाइट के साथ केतु इन्हेंस हो जाता है घर का, जो वैसे भी अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे ये बेसिक गाइडेंस आपको दी जाती है। और जैसे फ्यूचर का आस्पेक्ट है हर्मिट कार्ड, तो यहाँ पे किसी सलाह की ज़रूरत है आपको, किसी की गाइडेंस मेंटरशिप की ज़रूरत है, किसी की सलाह लें आप इस महीने में। ओवरऑल महीना ये आपका रहेगा नई शुरुआत का,
स्किल डेवलपमेंट का, हार्ड वर्क का, थोड़ी सी यहाँ पे मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। यू आर लैकिंग द मोटिवेशन, ठीक है। आपने प्लैनेट लॉर्ड को भी यहाँ पर रिझाना है, लियो वालों को, सन को रिझाना है इस पीरियड में। ओम सूर्याय नमः आप मंत्र उच्चारण करते रहें इस पीरियड में, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्गों वालों के लिए किस तरह का ये महीना रहेगा सितंबर का। देखो वर्गों वालों के लिए ये सब सोर्स का कार्ड यहाँ पे आया है मिडल में। सो थीम रहेगा कॉन्कर करना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना, अपने आप को प्रूव करना, और वो बहुत हद तक आप कर भी पाओगे। जैसे कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में ये दर्शा रहा है कि आप प्रॉपरली स्किल्ड हो जाओगे, दूसरा उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये जो है समा आपके लिए, थोड़ा सा आप जैसे हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे तो अभी यहाँ पे चांसेस है कि थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो सकते हो। जैसे कि नीचे आपको बॉटम ऑफ द इशू भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे असफलता आपके हाथ लगी थी पास्ट में, उसकी वजह से ये सारे अभी जो आपके एम्बिशंस हैं उसी की वजह से कि अपने आप को प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था ट्रेजेडी आपके साथ जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है प्रेजेंट में। तो पास से मुक्त होने के लिए सबसे बढ़िया उपाय प्रैक्टिकली यही है कि आप वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने के लिए सुमिरन करना होता है। सुमिरन आपने सुना होगा वर्ड, ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है, और सुमिरन जो है यहाँ पे हर श्वास के साथ किया जाता है। श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, हर श्वास के साथ अगर आप अटैच कर लेते कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम नमः शिवाय को ही आप अटैच कर लो फॉर एग्जाम्पल, या कोई आपको गुरु द्वारा यू नो दिया गया मंत्र है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। किसी गुरु ने, किसी सिद्ध पुरुष ने कोई मंत्र आपको दिया है वो कर सकते हो। चक्रों में जो मंत्रास होते हैं उनको भी किया जा सकता है। मान लो किसी की इमोशनल सेटबैक लगा है पास्ट में, तो उसको हार्ट चक्रा का, अनाहत चक्रा का मंत्र है वो करना चाहिए, ठीक है जी। तो वो आप थोड़ा सर्च कर लेना, क्योंकि अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं मंत्रास नहीं दूंगा आपको इस तरह के, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे जरूर मिल जाएगा। आप रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं अगर ज़्यादा ही आपको कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट या इमोशनल हर्ट हुआ है। फ्यूचर आस्पेक्ट पॉजिटिव है। चीरोड कार्ड का ऊपर आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही डायरेक्शन आपकी तरफ है। प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे जरूर दिख रही है, जैसे चाहे पास्ट में आया है कार्ड, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस तो जरूर रहेगा फ्यूचर के ऊपर। सो मेरी जो पर्सनल यहाँ पर कैलकुलेशन रहती है, मैं सभी कार्ड्स को एक दूसरे के साथ देखता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हर घर में प्लैनेट बैठा हुआ दूसरे घर के, जब अपने जैसे कि सन है वो सातवें घर के ऊपर प्रभाव देता है, सिमिलरली शनि है वो तीसरे, सातवें और दसवें घर के ऊपर प्रभाव देता है। सिमिलरली ये कार्ड्स भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये सब इंटरलिंक्ड करके ही गाइडेंस आती है। तो इसको आप इंडिविजुअली मत सोचना कि मैं इंडिविजुअल कार्ड्स के ऊपर एक एक करके कुछ ना कुछ बताता जाता है। सो ओवरऑल पिक्चर जो यहाँ पर बनती आ रही है पॉजिटिव है, करियर के लिए अच्छी है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको उपासना करनी है महादेव की इस महीने में। सो ये तो था आप वर्गों वालों के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिब्रा वालों के लिए किस तरह का ये मंथ रहेगा। इस मंथ में कहीं ना कहीं मैं अवेकनिंग देख रहा हूँ, तो कॉन्शियसनेस अवेकन हो सकती है उन लोगों की जो ध्यान साधना करते हैं, जो लोग नॉर्मल भी लाइफ जीते हैं उनके केस में भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो सकती है, और वो पास्ट में हुई लगती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का कार्ड पास्ट की तरफ आया है। सो एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है वो ये दर्शाता है कि आपको कोई ना कोई हर्ट भी हुआ, स्ट्रैंगल भी आप रहे हो, किसी अनचाहे रिश्ते में बंधना, यू नो इस तरह का कोई सिचुएशन आपको रहा था, अनचाही सिचुएशन में फंस जाना, ठीक है, और एक ही जगह पे स्टक हो जाना और सफोकेटेड फील करना, स्ट्रगल्ड फील करना, और ऐसा लगना कि लाइफ की ग्रोथ ही नहीं है और लाइफ का सिर्फ नेगेटिव आस्पेक्ट दिखना पास्ट में। करंट का कार्ड जजमेंट कार्ड यानी कि आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ लाया है, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड ऊपर आपके जो है वो ये शो कर रहा है कि आपको डिटैच होना है ऐसी चीज़ों से, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट परमात्मा आपकी करेगा, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्प, सेल्फ हेल्प अपनी खुद की करनी है। God helps those who help themselves. तो अपने आप की सपोर्ट खुद भी करें, अपना भी थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे रखें। ऐसे सभी लोगों से कट ऑफ करना है कि जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, ख़राब करते हैं। तो लिब्रा क्योंकि वीनस के साथ एसोसिएटेड है, तो वीनस अभी आपके सपोर्ट में नहीं है। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है, जिन लोगों का वीनस मान लो बर्थ के टाइम पे ही अफ्लिक्टेड था, तो उन लोगों के लिए भी ये गाइडेंस है। जिन लोगों का वीनस अभी ट्रांसिट चार्ट में गलत जगह पे बैठ गया है उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, नहीं तो आपकी लाइफ में जो फीमेल की सपोर्ट थी वो या वेल्थ का गड़बड़ होना ये दर्शाता है ये कार्ड, क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिविटी की ओर आया है तो हम ये मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अटेन कर सकते हो इस मंथ में हार्ड वर्क करके, ठीक है। जजमेंट कार्ड ये बताता है कि अपनी जजमेंट को भी करेक्ट रखें,
कि आप जो घटनाएं देखते हैं वैसी ये रियलिटी वैसी नहीं होती है, जो चीज़ें बाहरी हैं वो सिर्फ जो आपके भीतर जा रहा है उसी का ही एक एक्सटेंशन है। अगर आप हायर स्पिरिचुअल साइंसेस में जाओगे इसके ऊपर आप जरूर यू नो एक्सपीरियंस कर पाओगे। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो फिजिकली मेटाफिजिकली वो इसीलिए हो रहा है कि जो आपके भीतर एनर्जी स्टोर है उसी के साथ ही ये होता है। तो आगे चल के जैसे मैं देख पा रहा हूँ वो कप्स का कार्ड जो है ये पॉजिटिव कार्ड है, कमर्शियल सक्सेस की ओर भी लेके जाता है किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ जो है आपको यू नो जरूर यहाँ पे आप राइज होंगे इस महीने में। कोई फीमेल भी आपकी सपोर्ट कर सकती है और फीमेल के केस में कोई मेल आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कोलीग आपकी सपोर्ट में उतर सकता है। लिब्रा वालों के लिए ओवरऑल टफ पास था, प्रेजेंट स्टेबल है और फ्यूचर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मुझे यहाँ पे एनर्जी जज करनी है मैं ये कहूँगा कि जो आप विश कर रहे थे जैसे ये सब कब्स या भी ये दर्शाता है कि जो आप विश कर रहे थे जरूर आपको मिलेगा, लेकिन गाइडेंस ये भी दी जाती है कि विश भी वो करना है जो आपके लिए अच्छा हो। मान लो कोई सारा दिन कोई नेगेटिव चीज़ सोच रहा था तो उसके साथ वैसी घटनाएँ भी हो सकती है क्योंकि डेविल कार्ड ऊपर इसीलिए आ रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए किस तरह का मंथ रहेगा। देखिए आप जिस तरह के यहाँ पे कार्ड्स देख पा रहे हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो करियर की ग्रोथ को शो कर रहा है, वो पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म को भी शो कर रहा है। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेम्परेंस कार्ड का आना, मून कार्ड का आना, फोर ऑफ कप्स का आना, ये सारे के सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर भी पॉइंट आउट करते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो अभी तक आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस समय में उम्मीद कर सकते हैं कि आप उसका उससे बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, आपका छुटकारा हो जाएगा उन सभी चीज़ों से। मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट ही किसी के साथ हो गया तो इस समय में वैसे भी अगर आप देखोगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है धीरे धीरे वैसे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब लो होती है तो हर किसी का ये आस्पेक्ट ऐसा दिखता है। जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था तब जाके ये बहुत ही बुरा हाल था, हर किसी के कार्ड्स अगर हम हर राशि के निकालते थे तो बुरे ही आते थे। लेकिन यहाँ पे पर्सनल लेवल पे अगर कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको उससे अब कट होना है, उससे मुक्त होना है। इस पीरियड में अगर आप कोई भी एफर्ट ऐसी करोगे जरूर कर पाओगे। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर दिख रहा है एंजल्स विल हेल्प यू, तो यहाँ पे एंजल वर्ड्स को चैट कर सकते हो, स्पेल जो होती है उनको कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्रास कर सकते हो जो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो मंत्र उच्चारण, आरती पूजा, ध्यान, ठीक है ये सब आप कर सकते हो। इस पीरियड में ओवरऑल करियर पर्सपेक्टिव तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रह सकता है, बस वही है आपको उस आस्पेक्ट को बैलेंस करना है। इसके लिए एक रेमेडी आपको ये दे देता कि आप जो है रात को सोते वक्त सिरहाने कच्ची लस्सी तैयार करके रखो, यानी कि गिलास में पानी भर के उसमें थोड़ा सा अगर आप मिल्क ऐड करोगे तो कच्ची लस्सी का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसको रख के आप जो है सो जाओ, सुबह उसी पानी को आप किसी प्लांट के ऊपर या ग्रास के ऊपर या जमीन के ऊपर, मार्बल के ऊपर नहीं और ना ही टाइलों के ऊपर, सिर्फ ऐसे धरती के ऊपर डालना है, हो सके तो प्लांट्स के ऊपर डालना है। तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे नेगेटिविटी भी कम होगी, दूसरा मून जो आपका जो है वो बैलेंस्ड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में पर्सन अगर चाहे तो चंद्रमा का दान भी होता है वो भी कर सकता है, जैसे राइस का दान किया जा सकता है, घी का दान किया जा सकता है, दूध भी चढ़ा के आ सकता है मंदिर में, और चांदी की कोई चीज़ डोनेट अगर आप करना चाहते थे या आपको किसी ने रेमेडी बताई थी तो आप इस मंथ में कर सकते हो। आइडियली तो आपके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव जो मून का आस्पेक्ट है वो आएगा। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है पीकॉक के फैदर्स भी रखने हैं घर में। पीकॉक के फैदर्स जो घर में आप रखोगे उसके साथ भी हमारा मून बैलेंस होता है, तो पीकॉक के फैदर्स रखने के लिए भी आइडियल मंथ है। घर में उनको स्थापित करें एंड आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू सो मच। अब हम बात कर लेते हैं सैगिटेरियस वालों के लिए मंथ कैसा रहेगा। देखिए सैगिटेरियस वालों के लिए सबसे पहली यहाँ पे ये गाइडेंस है कि जिस तरह से यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है अगर आप दान पुण्य करोगे तो अच्छा रहेगा। इन केस जो है आप किसी से लेके खा रहे हो यानी कि किसी को एक्सप्लॉइट करके खा रहे हो तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बुरा जाएगा और सब कुछ आप गवा बैठोगे। इन केस आप पॉजिटिव परपज कर रहे हो तो देन दुख तकलीफ भी कम हो जाएगी। इनकेस नहीं भी कर रहे तो इस मंथ में गाइडेंस है कि अपनी समर्था के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार अगर थोड़ा बहुत भी डोनेशन आप कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। जितना आप एनर्जी एक्सचेंज करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
सो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करनी है। लोग कहते हैं कि हम डोनेट करें तो करें क्या, ठीक है, कोई गलत चीज़ डोनेट ना हो जाए, यानी कि प्लानट लग गया डिसबैलेंस हो जाए। जो आपका ऊंचे का सबसे यू नो स्ट्रॉन्ग प्लानट है उसका तो दान कभी करना ही नहीं है लाइफ में। अपने बर्थ नंबर लाइफ पाथ का भी दान नहीं करना है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो दान करें तो करें क्या। वेल ऐसा है कि सेफली आप ये कर सकते हो, किसी बच्चे को अगर आप फूड प्रोडक्ट खिला सकते हो तो वो सबसे बढ़िया रहता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो किसी भी बच्चे को कुछ भी खिलाना नारायण सेवा के अंडर आता है। तो उसमें अगर कोई प्लानट मान लो कोई आपने किसी को दूध की बनी हुई चीज़ खिला दी तो मून आपका डिस्टर्ब नहीं होगा इस केस में, ठीक है। तो बच्चों की सेवा करें, बूढ़ों की सेवा करें, ये डोनेशन सबसे बढ़िया आइडिया रहती है। तो इस मंथ में अगर हम देखें यहाँ पर टावर मोमेंट मुझे फ्यूचर में यहाँ पर दिख रही है। टावर मोमेंट जो फ्यूचर में है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर, डिज़ास्टर की ओर इशारा है, यानी कि फ्यूचर का आस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है। कोई ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हो सकती है। बार बार पास्ट के ऊपर सोचना भी आपके लिए नुकसानदेह है, तो यहाँ पे आपको सोशलाइज करना है, जैसे कि यहाँ पे हम थ्री ऑफ कप्स के साथ देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लव लाइफ भी यहाँ पे डिस्टर्ब होने के चांसेस है, क्योंकि पास्ट में जैसे मैं देख पा रहा हूँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है नॉर्मली देखा गया है कि इसमें लव लाइफ डिस्टर्ब होती है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी पर्सन के पास बहुत होती है। गोल्डन कलर का क्योंकि इसने गाउन डाला है और एक लश ग्रीन गार्डन में खड़ी है, तो मीन्स यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी तो इसके पास थी, लेकिन एक लव लाइफ लविंग पार्टनर नहीं था। इस पीरियड में जो है डोनेशंस करने से चीज़ें सुधरेंगी, सिर्फ यही आपके लिए गाइडेंस है। ओवरऑल पीरियड टफ रहेगा, इट विल नॉट बी दैट स्मूथ फॉर यू। तो सैगिटेरियस वालों के लिए यू नो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा भी बढ़िया नहीं आई, इतने ज़्यादा बढ़िया सक्सेस फैक्टर्स नहीं आए हैं यहाँ पे इस पीरियड में। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए किस तरह का मंथ रहेगा। देखिए ओवरऑल मंथ की अगर हम बात करें तो ये टफ पीरियड है आपके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का फ्यूचर एलिमेंट यहाँ पे आया है फोर ऑफ सोर्स का, यानी कि बैटल लॉस्ट। इस पीरियड में जो है सावधान रहना है, कोई ना कोई असफलता मेजर वन आपके हाथ लग सकती है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सोशलाइजेशन आपने करके रखनी है, अपने सोशल सर्कल को इन्हेंस करना है इस पीरियड में। अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के कोई ना कोई चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे वैसे सेलिब्रेशन एंड जॉय इस तरह की चीज़ है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है उसमें आप पार्टिसिपेशन अपना कर सकते हो। तो एक तरफ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ सोर्स का कार्ड आना फोर ऑफ सोर्स का, ये दर्शाता है कि कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे आपकी डिफीट हो सकती है। कोई एग्जामिनेशन आपने दिया है, अभी वैसे हो भी गए हैं थोड़ी देर के तक UPSC के एग्ज़ाम्स है, हो सकता है कि अगर कोई कैप्रिकॉर्न वाला इसको सुन रहा हो तो उसके लिए एक मेजर डिफीट हाथ लग सकती है। इस पीरियड में जो है कोई फीमेल धोखा आपको दे सकती है, और यू नो फीमेल के लिए कोई मेल को यंग मेल उनको धोखा दे सकती है। यहाँ पे जिस प्रकार का नीचे कार्ड है एट ऑफ सोर्स का, एट ऑफ सोर्स का कार्ड ये दर्शाता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अनलीश करने की ज़रूरत है, अपने आप को खोल के रखने की ज़रूरत है, बांधना नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सन कार्ड था पास्ट में, यानी कि सक्सेस फैक्टर्स यहाँ पे अच्छे थे। अगर हम बात करें पास्ट के सक्सेस फैक्टर्स बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट के थोड़े से डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। तो इस महीने में थोड़ी टफनेस रहेगी। कैप्रिकॉर्न की स्वामी है सैटर्न, तो आपको सैटर्न को रिझाना पड़ेगा, शनिदेव की उपासना करनी है। जो लोग क्रिस्टल्स में मानते हैं उनको ब्लैक टर्मोलिन, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं ब्लैक टर्मोलिन का एक ब्रेसलेट बिल्कुल एंड में पड़ा हुआ है, तो इन लोगों को ब्लैक टर्मोलिन धारण कर लेना है इस पीरियड में। तो उसके साथ में सैटर्न बैलेंस होता है। दूसरा सैटर्न के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी डोनेशंस कर लिए शनिवार वाले, शनिवार को अगर आप दान करोगे फॉर एग्जाम्पल काली दाल का या काले कलोर का, तो हमारा सैटर्न जो है बैलेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें करके आप देख सकते हो, तो उससे आपका सैटर्न जरूर बैलेंस होगा। मंत्र उच्चारण भी किया जा सकता है, जैसे ओम शनि शांति, ठीक है। तो ये जो आपके जो कार्ड्स आए हैं पास्ट की ओर जैसे यहाँ पे पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में चीज़ें जो है स्थिर रहेंगी, इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कि आप एक बहुत ही बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, एंड में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस वालों के लिए किस तरह का मंथ रहेगा। एक्वेरियस भी सैटर्न का ही साइन है। एक्वेरियस वालों के लिए ये जो मंथ रहेगा इस मंथ में काफ़ी हार्ड वर्क रहेगा, कोई स्किल डेवलप आप कर सकते हो, नई चीज़ सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करके आप अपनी स्किल्स में इजाफा कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जरूर आप इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको आप
पॉजिटिवली दें और उसको ग्रैब करें। आपके सामने कोई ऑप्शन आती है करियर इन्हेंसमेंट की या कोई ट्रेनिंग की, तो उसको आप ज़रूर लेंगे इस पीरियड में जो है सफलता हासिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक ट्रांजिशन के दौर से आप गुजर रहे हैं, लाइफ का एक फेज एंड हुआ है, अभी नए फेज़ की यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो ये शुरुआत जो है कहीं ना कहीं शुरुआत में तो पर्सन को तो स्ट्रगल करनी ही होती है, आपको समझना होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रगलिंग का पीरियड है, इस पीरियड से भी आप खूबी निकल जाएंगे, लेकिन इस मंथ में तो बिल्कुल नहीं। इस मंथ में तो सिर्फ यहाँ पर मुझे हार्ड वर्क, मल्टी टास्किंग, गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मेनी एक्टिविटीज़, ये सब दिख रहा है। ओवरऑल फीमेल्स के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी इस पीरियड में। अगर कोई यंग फीमेल इसको सुन रही है तो उसके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब या कोई नया बिजनेस आइडिया भी हाथ रख सकता है। यहाँ पर जैसे कि मैं मूल कार को बिल्कुल टॉप पे देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका जो है नेगेटिव कर्मास, नेगेटिव इम्प्रेशंस को आप कैरी कर रहे हो, उसको आपने रिलीज करते जाना है इस पीरियड में। इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने से आपको जो है फ़ायदा होगा। और अक्वेरियस साइन वालों के लिए भी, क्योंकि लॉर्ड जो है सैटर्न है, तो शनिदेव को आप बना सकते हैं इस पीरियड में ताकि आपको सपोर्ट मिले। तो उसके लिए आप शनि मंत्रा, शनि चालीसा या काली चीज़ों की डोनेशन आप कर सकते हो। पीरियड कैसा रहेगा इस पीरियड में, वेल आपके पास जो है टाइम ही नहीं होगा कुछ सोचने का, आप बिजी इतने हो सकते हो, तो आपको शायद पता ही ना चले कैसे ये मंथ बीत गया। बहुत ही फास्ट मंथ आपका ये जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाइसिस वालों के लिए किस तरह का मंथ रहेगा। द वर्ल्ड कार्ड इज हियर, द वर्ल्ड कार्ड इज द बेस्ट कार्ड इन टैरो डेक, ये सबसे बढ़िया कार्ड माना गया है टैरो में। इस कार्ड की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ी विक्ट्री आपके हाथ लग सकती है। लाइफ चेंजिंग कोई ना कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है इस पीरियड में। ऊपर जैसे का कार्ड देख पा रहा है तो वो ये शो कर रहा है कि कोई चोरी आपके ऊपर भी हो सकती है, कोई थेफ्ट हो सकती है। तो इस पीरियड में केयरफुल रहना, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को संभाल के रखना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स फास्ट में ये दर्शाता है कि स्किल डेवलप जो आपने की थी, जो आपने एफर्ट की थी, क्वालिफिकेशन कोई हासिल की थी, उसी के साथ ही ये प्रेजेंट में इतनी बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगेगी। तो पाइसिस के सक्सेस फैक्टर्स यहाँ पर सबसे पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी तक की जितनी स्प्रेड मैंने की है उनमें से सबसे बढ़िया अगर मुझे लग रही है तो पाइसिस की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर नीचे आना, इमोशनल स्ट्रेंथ, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द ट्रबल्स यू विल राइज। एंड स्टार कार्ड मीन्स न्यू बिगिनिंग, ऑस्पिशियस बिगिनिंग्स, दिस हैज कम डाउन इन अ पॉजिटिव वे, दिस शोज दैट डेफिनेटली सीकर इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ नेम फेम, रिकॉग्नाइजेशन, सक्सेस एट द सेम टाइम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शोज हियर दैट सम फीमेल इज गोइंग टू सपोर्ट यू, female will help you, like your mother will nurture you, right? If you are young, if you are a mature person, then your female, you know, in your life will support you in this time, and she'll be there every step of the way, and she will also earn equally, if not less than you, or she will earn equally also, and she will also bring prosperity towards you. So overall success factors are quite good. Only thing is that you have to be careful of the mastermind in your life. Someone can, you know, make fool out of you. Someone can steal something from you. कुछ ना कुछ चुराया जा सकता है आपसे इस पीरियड में। क्या कोई रेमेडी आपकी बनती है, क्योंकि पीरियड स्टेबल है, तो इस पीरियड में कोई आपको रेमेडी नहीं देना चाहता। सिर्फ आप मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच गाइज।